काफी अच्छी हो जाती है सर्विसिंग के बाद। और ये सर्विसिंग अपन कंपनी से करवाते हैं ना तो ही होता भाई, बाहर से करवाते हैं ना तो इतना वो फील नहीं आता। आपको क्या 70,000 किलोमीटर की लेबर सर्विस पे इन्होंने हमें कितना लगाया है? 2037 रुपये। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग का टाइम तो नहीं है अभी, गुड आफ्टरनून हो रहा है। और किलोमीटर देख लीजिए गाड़ी के, 69,916। इसका मतलब है कि 70,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है और अपन ने 70,000 से पहले ही गाड़ी की सर्विस फिर से करा ली है। 70,000 किलोमीटर चलाने के बाद हमारी सर्विस का कितना कॉस्ट आया आज वो मैं बताने जा रहा हूँ, और क्या क्या चेंज होता है 70,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद, जो कि कमेंट्स आते रहते हैं, कमेंट्स के जवाब मैं देता रहता हूँ। और आज ये लोग आपको 2 महीने बाद देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त था। हमारे बिजनेस के नया मैंने एक वेंचर लॉन्च किया है, उसमें मैं बिजी था तो नहीं बना पाया भाई व्लॉग, कहीं ट्रिप भी नहीं हो पाई इसी वजह से। लेकिन अभी बहुत जल्द ट्रिप होने वाली है, वो भी लद्दाख की, है ना, क्योंकि अब लद्दाख जहाँ पर मैं, आपको पता है कि जयपुर में रह रहा हूँ और जयपुर में जो बना हुआ ना घमासान 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और आने वाले टाइम में 50 तक जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको छोड़कर अपन लद्दाख, है ना। अभी देखो ना एसी की आवाज़, ब्लोअर की आवाज़ आपको सुन रही होगी इतनी तेज़, क्योंकि ये अपन ने चला रखा थर्ड पे, मतलब एक स्टेप पीछे, और बहुत तेज़ गर्मी है और ये तो कर्टेंस लगे हुए हैं, इस वजह से अपन थोड़ा सा यहाँ पे जिंदा बचे हुए, वरना इस गाड़ी में इतना खतरनाक धूप आती है ना अंदर से तो आप पूरा जल जाओगे। 70,000 किलोमीटर चलाने से पहले, मतलब ये चलाने के जब सर्विस इसकी आ रही थी ना, तो मुझे इसमें क्या क्या फील हो रहा था, मुझे फील हो रहा था, एक तो चल रही थी हार्ड, इंजन इसका नॉइस करने लग रहा था। अभी स्मूथ चल रहा है क्योंकि उस टाइम इंजन ऑयल वगैरह सब खत्म ख़राब हो जाता है ना 69,000 के आसपास, तो इसका इंजन भी आवाज़ करने लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे ट्रैक्टर चल रहा हो भाई, है ना। अभी तो काफ़ी स्मूथ हो गया, स्टेयरिंग भी, स्टेयरिंग तो कोई दिक्कत नहीं थी, गियर में थोड़ा सा वो लग रहा था कि ये टाइम ऐसा हार्ड सा लग रहा था। अब तो मैंने गियर का भी, मतलब अभी गियर ऑयल चेंज हुआ ही होगा तो उस वो भी स्मूथ हो चुके हैं। दूसरा, ये पूरी गाड़ी आवाज़ करती थी, मतलब जब खड्डे वगैरह में बड़बड़ बड़बड़ बड़, तो मैंने उनको बोला भाई गेट वगैरह इनको भी थोड़ा सा टाइट कर देना, तो ऑयलिंग वगैरह हर जगह हर पार्ट्स को टाइट कर दिया, तो अब गाड़ी एकदम ऐसे नए की जैसी चल रही है और स्टीयरिंग भी एकदम स्मूथ सा हो रखा है। अंतर लगता है कि यार पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है सर्विसिंग के बाद। और ये सर्विसिंग अपन कंपनी से करवाते हैं ना तो ही होता भाई, बाहर से करवाते हैं ना तो इतना वो फील नहीं आता आपको कि यार कुछ अच्छा कराया, कुछ तो फ़र्क डालते हैं कंपनी वाले, क्योंकि जब उन्होंने ये गाड़ी बनाई है तो उनको पता है कि इस गाड़ी को हमने कैसे क्या सर्विसिंग पे करनी है। बाहर से करवाते हैं वो मोटा मोटा इंजन ऑयल वगैरह चेंज करके ना नक्की करके दे देते हैं, लेकिन जब कंपनी में जाती है तो वो गाड़ी भाई उसके सारे ऊर्जे पुर्जे वो टाइट करते हैं, जो उनको पता होता है कि इस इतने किलोमीटर के बाद गाड़ी में क्या दिक्कत आती है, तो पहले डायग्नोसिस करके चलते हैं ना, तो उस हिसाब से पहले ही उनको पता रहता है, कर लेते हैं। बाहर वालों को इतना पता नहीं होता भाई, क्योंकि उनके पास लिमिटेड ही गाड़ियाँ आती है और ये तो बने ही उन्हीं गाड़ियों के लिए है उनको, तो ये बात है। ब्लोअर की आवाज़ आपको तंग कर रही होगी, इससे पहले आपको तंग हों आप, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सर्विसिंग कॉस्ट कितनी लगी। चलिए गाड़ी रोक के आपको बताएंगे कि सर्विसिंग कॉस्ट कितनी लगी है। और तो जी आ गई अपने सामने अपनी केस महिंद्रा की पूरी फाइलिंग, पूरी रिपोर्ट कि क्या क्या उन्होंने लिया, क्या क्या लगाया है। 70,000 किलोमीटर की लेबर सर्विस पे इन्होंने हमें कितना लगाया है? 2037 रुपये, ठीक है। और इसके बाद ये चेंज हुआ है, आप देख लो लेबर के लिए, लेबर ही डिटेल है अभी, तो चेंज करने के लिए 1,071 रुपये का इन्होंने, मतलब लेबर 3,668 रुपये की है अप्रोक्स, ठीक है। और इसके बाद जो हुआ है नेक्स्ट में, ये इन्होंने पार्ट जो चेंज करे हैं आप देख लेना, बार बार कमेंट करते हो कि भाई वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऑयल फिल्टर हुआ है, मैक्सी क्लीन हुआ है फिलिंग पाइप, और ये मैक्सीमाइल अल्ट्रा 6 लीटर, इसमें इलाइट कई चीज़ें डल जाती, वाशर सीलिंग मैक्सी क्लीन पाइप, और भाई ये चीज़ें डल के और ये हो गया 5,936, मतलब टोटल दोनों मिला है यहाँ पर तो भाई ये 9,000 कुछ का बिल हुआ है अप्रोक्स। ये 9,000 रुपये अपने 70,000 वाली सर्विस पे लगने वाले हैं और गाड़ी आपकी चकाचक हो जाएगी। अभी तक इस गाड़ी में मुझे कोई किसी तरह का ना तो सस्पेंशन से रिलेटेड, ना कोई एक्सल से रिलेटेड, ना किसी, आपको पता ही है क्या बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग से रिलेटेड तो
और अलाइनमेंट, अभी तक मुझे पता भी नहीं है कि ये चीज़ करवानी भी होती है, इतना खतरनाक है इस गाड़ी का सिस्टम। वरना 70,000 किलोमीटर पे लोग मारुति वाली गाड़ियां तो बोल जाते हैं, कभी कभी उसका एक्सल सस्पेंशन ये चीज़ें तो उसमें बदलानी पड़ी जाती है, लेकिन इसमें अभी तक एकदम ब्रांड न्यू है। और अभी देखो अपन चलेंगे लद्दाख फिर से इसी गाड़ी से, ठीक है, तो क्या मज़ा आने वाला है। और अब चलेंगे यार, अब झूठ नहीं बोल रहे, अब चलेंगे, अब पक्का ही चलेंगे, क्योंकि अब रहा भी नहीं जा रहा पहाड़ों के बिना, चलते हैं। चलिए, इस व्लॉग को आपने देखा, क्योंकि आपने देखा ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं व्लॉग डालता हूँ तो लोग देखना बंद कर देते हैं। क्यों देखेंगे यार, मैं कंसिस्टेंसी नहीं हूँ ना, कंसिस्टेंट देखेंगे यार, मैं कंसिस्टेंसी में बरकरार नहीं रख पा रहा, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे ना आपको नए लद्दाख की ट्रिप पर, मिलेंगे कुछ नए तरीके से, और मैं आपको बताऊँगा मेरा नया वेंचर क्या है, आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो मेरे नए वेंचर में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो। अगर अभी कुछ मेरे वेंचर के बारे में जानना, मुझे कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको आईडी दिख रही होगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी मेरी। चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।